It's way up to me. हेलो करने बस गो देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम बीच में डस्टबिन भी है यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम पापा की परी जा रहे कैफे पे शूट करने अच्छा अब्दुल जी आगे रोड क्रॉस कर रहे हैं से ख्याल से ओए चल यार और ये है मेरी वो एक्टर चूजी सी हाँ खिंगड़ी सी हाँ मैं नजर ही नहीं आ रही हाथों में बहुत कुछ हैंड करना बहुत धूप है हम लोग पैदल जा रहे हैं पूरा उधर से देखते हैं गर्मी बहुत लग रही है लेकिन शूटिंग का शूटिंग के लिए इतना एक्साइटेड है कि हमें इतना फील नहीं हो रहा था तुमको बोले उधर से आ जाए तो अभी कॉफी शॉप वाले जो था वो हम घर के आ चुके हैं अब हम घर जा रहे हैं देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि सीन अच्छा है लेकिन अब एडिटिंग में पता चलेगा क्या हमने किया क्या नहीं किया मैं बच्ची को रोड क्रॉस करवा रहा हूँ हेल्प कर रहा हूँ पब्लिक की कौन सी हेल्प किया कौन सी हेल्प किया बच्ची को रोड क्रॉस करा रहा हूँ मैंने खुद ही किया मेरे फोन को गर्मी इतनी है कि गर्मी को बुखार हो गया कैमरा हीट अप हो गया बुखार तो उसको भी हो गया यार बहुत और ये मेरी आने किसने चोरी कर ली है बदले में मैं इसका गिटार लेके जाऊंगा घर पे भूल गई अब की बहुत तेज धूप पे आंखों में पड़ी और हाँ मैं इसका गिटार बजाने लेके जाऊंगा कोई नहीं बाजी जी दरवाजा खोलो तुम्हारी वजह से यहाँ पर तुम्हारा रोना पड़ जाएगा यार पता नहीं चाबी उठाते भी कितनी देर लगती थी सोच मतलब जो भी चीज़ देख लो इसी की हरकतों की वजह से हम लोग खबार हो रहे हैं अरे चाबी घर में भूल गई है अब शूट हमारा अटका हुआ है ऊपर से चल रहा है क्या वैसे ही सुस्ती चल रही है नहीं नहीं डेकोरेशन पीस रखा हुआ है अल्लाह के बंदे चल रहा है बता दो ना हम एक्टिंग कर रहे हैं बाजी जी दरवाजा खोले ना जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा ना घर मांडे ये जेन्युइन आवाज निकाल ली अब्दुल ने ए चली रेत वाली अच्छा लगता है ना बड़ा अच्छा लगता है ना बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है सुबह से यही कर रहे हैं कल से ये कैरेक्टर की जो है वो हैसियत है हमें बुलाया गया था शूट के लिए इससे अच्छा अगर मैं रोड पे बैठता ना तो ये नेक्स्ट सीन के लिए जो हमें कपड़े चाहिए वो ज्वेरिया प्रेस करके दे रही है चलो इसी बहाने कोई काम तो कर रही है वैसे तो पहली फिर मैं बहुत केयरिंग हूँ यार मैं बहुत केयरिंग हूँ मैं बहुत ज्यादा केयरिंग बहाम ने पता है क्या किया थोड़ी देर पहले मेरे मुंह पे शर्ट फेंकी कहते ज्वेरिया इस्त्री करके तो मैं तो ये कह रहा हूँ कपड़े इस्त्री कर दो मैंने ये फेंक के तो नहीं कहा हमारी कास्ट गवाह है सारी इस बात की उनको कास्ट नहीं थी बिरयानी ठूस के आए चार चम्मच लिए हैं यार चार चम्मच कपड़े वगैरह इस्त्री करने में उन्होंने मुझे लगा दिया बस
अब जा रहे हैं नेक्स्ट सीन पे। एक्शन। एंड आउटडोर के सारे जो शॉट्स हैं वो हो चुके हैं, फाइनली हो गए हैं, फाइनली हो चुके हैं, बहुत थके हैं, बहुत प्यास लग रही है, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत है क्योंकि एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है और मज़ा भी बहुत आया हमें। अब हम जा रहे हैं सीधे जवेरिया के घर और फिर हम लोग वहाँ पे करेंगे बाकी सीन। वेल डन। अभी तेरी डाइट यार नवाज नहीं बननी अली क्या है यार, थोड़ा सस्पिशियस हो गया, देख रहा है थोड़ा सस्पिशियस, थोड़ा सस्पिशियस हो गया यार अली। कैसे